पहली बार मुझे लग रहा है कि सीताराम येचुरी ने कुछ समझदारी का काम किया है और इस मामले को राम जन्मभूमि से जोड़ा है। वास्तव में ये दक्षिण का अयोध्या है। सबरीमाला मंदिर की पवित्रता और उसकी धार्मिक और जो सांस्कृतिक मान्यता है, उसकी आस्था और विश्वास के ऊपर जिस तरह से हमले आज हो रहे हैं, वो उसने सारी CPM और उसके कैडर की मानसिकता को नंगा कर दिया है। इनको जब चर्चों के अंदर विभत्स होते ननों के रेप और जब बलात्कारी का स्वागत वो नज़र नहीं आता, इस CPM को वो भी नज़र नहीं आता कि देवस्वम बोर्ड में किस तरह से गैर हिंदुओं की भर्ती की जा रही है, इसको वो भी नज़र नहीं आता कि चर्चों के अंदर किस तरह के व्यभिचार के अड्डे बनते जा रहे हैं, उनको वो भी नज़र नहीं आता कि हिंदुओं पर किस तरह से हमले केरल के अंदर हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि सबरीमाला के भक्तों को सलाम करते हुए उनको धन्यवाद दूंगा, उनको उनके प्रति वास्तव में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने डट करके हिंदू अस्मिता और उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वहाँ के लोग जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए हम नमन करते हैं।